हरे कृष्णा, यह लीला गोलोक धाम की है। एक बार आकाश के ब्रज धाम में श्री कृष्ण एक रत्न जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। कृष्ण को अचानक श्री राधे के लिए इतना प्रेम उमड़ा कि उन्होंने श्री राधा रानी का रूप धारण कर लिया और वह बार बार पुकारने लगे, हे कृष्णा हे कृष्णा, और फिर वह कुंजों के पास दौड़े। उसी समय श्री राधा रानी ने कृष्ण का रूप और भाव धारण करा। स्वामिनी के ये परिवर्तन को देख सखियां चकित रह गईं। श्री राधा रानी को आश्वस्त करने के लिए सखियों ने कई प्रयास करे, परंतु सखियां असफल रहीं। फिर सखियों ने श्री कृष्ण की खोज की। जब श्री कृष्ण ने राधिका की दुविधा के बारे में सुना तो वह तुरंत उनके पास जाना चाहते थे। जब श्यामजू ने राधा रानी के नाम का जप किया, जिसके कारण श्री राधा रानी कुंज में प्रकट हुई, श्यामजू अब श्री कृष्ण के रूप में लज्जा रही थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी प्यारी श्यामजू, मैं आपको शाश्वत सेवक हूँ। आप चाहे तो मुझे दंड दे सकती हैं। मैंने आपको बहुत पीड़ा दी है। आप भी रोए वियोग में और मैंने भी अश्रु बहाए हैं। जरा देखो हमारे अश्रु से ये दो कुंड प्रकट हुए हैं। आपके अश्रु से बने कुंड को राधा कुंड के नाम से जाना जाएगा। और ये सब देखकर सखियां और श्यामजू बहुत खुश हुई और श्यामा श्याम ने कुंड में स्नान कर और अपना मूल रूप वापस धारण किया। राधे राधे।